इतिहास में जगह जगह प्रमाण है कि भारतवर्ष के इतिहास का स्वर्ण युग केवल जाटों के नाम है। भले ही तथाकथित पौराणिक लोगों ने जाटों के इतिहास को बदसूरत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, एक से बढ़कर एक षड्यंत्र किए और जाटों के ऐतिहासिक सबूत मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन वे शत प्रतिशत कभी सफल नहीं हुए। इस पर डॉक्टर इकबाल का दोहा याद आता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुषाण वंश से महाराजा कनिष्क से लेकर बैस गोत्री महाराजा हर्षवर्धन तक सभी के सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले जाट राजा थे। सभी मौर्य राजा मोरवंशी जाट थे। गुप्त राजाओं ने अपने समय को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल बना दिया। गुप्त इनको इसलिए कहा जाता है कि इनके पूर्वज मिलिट्री गवर्नर थे, जिन्हें गुप्ता, गुप्ते व गुप्ती के नाम से जाना जाता था। इसलिए इस राज के संस्थापक का नाम तो श्रीगुप्त ही था। इनके सिक्कों पर धारण लिखा पाया जाता है, क्योंकि इनका गोत्र वह वंश धारण था जो आज भी जाटों में है। इनके राज प्रशासन से स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने कभी धर्म व जाति पाति तथा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था तथा पंचायतों को समुचित अधिकार थे। ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। इन्होंने शूद्र वर्ण की स्थिति का उल्लेखनीय सुधार किया, मांस व मदिरा से प्राय परहेज किया। एक आम आदमी का पहनावा धोती, पगड़ी और शाल था। विधवा स्त्री को पूर्ण विवाह करने का पूरा अधिकार था तथा कानूनी तौर पर वैध था, जो कभी किसी अन्य हिंदू राज्य में नहीं हुआ। इन राजाओं की जाति के बारे में आज तक अलग अलग मत है, क्योंकि पौराणिक लोगों की विचारधारा वाले लेखक कभी भी इनको जाट मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि विद्वान इतिहासकार डॉक्टर जेपी जायसवाल, विद्वान एचडी गुप्त वह विद्वान इतिहासकार दशरथ शर्मा जैसे विद्वानों का स्पष्ट मत है कि ये पंजाब के जाट थे। राजस्थान इतिहास के रचयिता कर्नल टॉड भी इन्हें जाट मानते हैं। डॉक्टर बीएस दैया ने अपनी पुस्तक जाट द एंशियंट रूलर्स में अनेक तर्क देकर सिद्ध किया है कि वे जाट थे। कनाडावासी प्रोफेसर बीएस ढिल्लो ने भी अपने शोध हिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ जाट्स में सिद्ध किया है कि वे जाट थे। इसके अतिरिक्त गुप्त राजाओं की राज्य व्यवस्था से स्वयं सिद्ध होता है कि वे जाट थे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था जाटों को छोड़कर और किसी भी अन्य राज्य में नहीं थी। धार्मिक कट्टरता व असमानता कभी भी जाट राजाओं के शासन के अंग नहीं थे, लेकिन आज हम धार्मिक कट्टरता के चलते जाट कट्टरता भूल चुके हैं। सम्राट हर्षवर्धन उस समय के जाटों के अंतिम बौद्ध राजा थे, जिनके पूर्वज पंजाब के जालंधर क्षेत्र से आकर थानेसर में बसे। इनका वंश वैसाती था जो जाटों के बैस गोत्र में परिवर्तित हुआ। इन्होंने ही सर्वखा पंचायत की नींव सन 643 में रखी, जिसके इतिहास का समुचित रिकॉर्ड 7वीं शताब्दी से लेकर आज तक का स्वर्गीय चौधरी कबूल सिंह गांव सोरम जिला मुजफ्फरनगर के घर लगभग 40 किलो भार में जर्जर अवस्था में उपलब्ध है, जिसकी सहायता लेकर डॉक्टर एमसी प्रधान, डॉक्टर मोहन फोर्ट, डॉक्टर जीसी द्विवेदी, डॉक्टर बालकृष्ण डबास आदि ने जाट विषयों पर पीएचडी की। इस रिकॉर्ड के आधार पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी है। प्राचीन योद्धे राज तो लगभग पूरे का पूरा ही जाटों का पंचायती राज रहा है। स्वामी उमानंद सरस्वती वह वेदव्रत शास्त्री जी ने भी अपने ग्रंथ देशभक्तों के बलिदान में इसे सिद्ध किया है। माननीय विद्वान डॉक्टर धर्मकीर्ति ने अपने शोध में सम्राट कनिष्क से लेकर सम्राट विजयनाग तक 17 राजाओं को बौद्ध धर्मी जाट सिद्ध किया है, जिसमें उनके शासनकाल तथा राज्य क्षेत्र का पूरा विवरण दिया है। बाकी इतिहासकारों को इन्हें जाट कहने में क्या शर्म है। इसी आधार पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारतीय इतिहास जाट इतिहास है और जाट इतिहास ही भारतीय इतिहास है। याद रहे, जाट वीरों के पिताओं ने संसार में सबसे अधिक अपने जवान बेटों के दाह संस्कार किए हैं। शांति और युद्ध में यही अंतर होता है कि शांति के समय बेटा बाप की अर्थी को कंधा देता है, तो युद्ध के समय बाप बेटे की अर्थी को कंधा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।